लोग एक ऐसे सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे जिसका लेंथ काफी बड़ा होता है, यानी कि जो अर्थ का रेडियस है उसके रेडियस से कंपेरेबल होता है इसका लेंथ। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अर्थ का ये सरफेस दिखाया है और ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम का जो लेंथ है ये है एल। किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ से थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रखा है। ठीक, तो ये अर्थ का सेंटर है। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये जो लाइन है ये यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और इसी सेंटर से ये जो बॉब है बॉब को मैं मिलाता हूं। ठीक है, अब एमजी फोर्स जो लगेगा वो ध्यान रखना है कि इस बॉब पर जो एमजी फोर्स लगेगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ ये एमजी लगता है। अगर ये एंगल थीटा है और इस एंगल को मैं फाई मान लेता हूं तो देखेंगे कि इस ट्रायंगल में एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। इसमें ये एक्सटर्नल एंगल होना चाहिए थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है एमजी का लाइन ऑफ एक्शन है, कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एमजी है ना। तो इस पर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे टॉर्क निकालना होगा जब इस एमजी का, जैसे कि पिछले वाले केसेस में भी करते थे, इस पॉइंट के अबाउट इस एमजी का टॉर्क निकालेंगे, तो रिस्टोरिंग टॉर्क टॉ इज इक्वल टू एमजी इंटू, ये एमजी का लाइन ऑफ एक्शन है और एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा देखेंगे, ये लेंथ एल है, ये 90 है, ये थीटा प्लस फाइव है, तो ये एल कॉस थीटा प्लस फाइव होगा, ये एल साइन थीटा प्लस फाइव होगा, एल साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा ये वाला लेंथ। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि एमजी फोर्स तो हमने लिख लिया है और लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, यानी एल साइन थीटा प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें थीटा और फाइव दोनों ही स्मॉल होते हैं, तो मैं इस टॉर्क को लिख सकता हूं माइनस साइन एक लगा सकते हैं यहां पर। माइनस साइन इसलिए क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया एंटी क्लॉकवाइज, जबकि टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज। तो माइनस एम जी एल साइन थीटा प्लस फाइव को मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस फाइव है ना, फॉर स्मॉल थीटा एंड फाइव है ना। अब देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चाहे इस ट्रायंगल में निकालूं या इस ट्रायंगल में निकालूं दोनों में बराबर है ना। तो अगर इधर से देखा जाए ये जैसे कि एल है ना, या ये एल है, तो हम लोग एक्चुअली में क्या हो रहा है कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये जो दो लाइन दिख रही है कुछ ऐसे दिख रही होगी, बहुत पतली सी ऐसे कुछ दिख रहा होगा है ना, तो इनको छोटा सा आर्क माना जा सकता है, यानी ये जो है छोटा सा आर्क माना जा सकता है। ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ये डिस्टेंस भी बहुत ही बड़ा है, तो जैसे आर्क लेंथ निकालते हैं, अगर ये एंगल थीटा हो ये रेडियस आर हो तो आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, आर इंटू थीटा। तो उसी हिसाब से अगर मैं इसको निकालना चाहूं, ये लेंथ एल है ये भी एल ही है, तो ये एल थीटा लिखा जा सकता है। अगर इधर से लिखूं तो इसको एल थीटा लिख सकता हूं, और ये आर है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आर होगा, और ये एंगल फाई है तो इधर से लिखूं तो ये इसको मैं आर फाइव ही लिख सकता हूं। दोनों लेंथ जो है एल थीटा लिखे आर फाइव बराबर हो सकता है ना, तो आर फाई इज इक्वल टू एल थीटा होता है ना। अब इसको यूज करते हैं यहां पर, जो रिस्टोरिंग टॉर्क हमने निकाला है माइनस एम जी एल थीटा प्लस फाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाई है फाई की वैल्यू यहां से थीटा के टर्म में रिप्लेस करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि लिखा है आर फाई इज इक्वल टू एल थीटा, ये एक रिलेशन हमने अभी यहां पर फाइंड किया था। इसमें से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूं तो यह आएगा एल थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब ये फाई की वैल्यू यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल इंटू थीटा प्लस फाई की वैल्यू एल थीटा बाई आर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस एल बाई आर इंटू थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग कंपेयर करना चाहिए विथ माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। जब कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम जी एल वन प्लस एल बाई आर। ठीक, अब मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो है, इस बॉब का मोमेंट ऑफ एनर्शिया एक पार्टिकल मानकर निकालेंगे तो वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर है ना इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल वन प्लस एल बाई आर। तो इसमें से एक एम कैंसिल कर सकते हैं, एक एल कैंसिल कर सकते हैं, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा जी बाई एल वन प्लस एल बाई आर का रूट, ये ओमेगा हो गया। तो टाइम पीरियड जो आएगा ये हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी वन प्लस एल बाई आर, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें दो केसेज बनाए जा सकते हैं। एक केस तो ये बन सकता है कि फॉर एल वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, जैसा कि पहले वाला केस हमने पढ़ा था। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि आर तो बहुत बड़ा है, आर जब बहुत बड़ा होगा तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उस केस में जो टाइम पीरियड आएगा ये आएगा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये जीरो हो जाएगा टर्म तो ये आ जाएगा रूट एल बाई जी। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। इसके बाद दूसरा केस ये हो सकता है फॉर एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे है ना, आर यहां एलसीएम लेंगे तो आर चले जाएगा ऊपर आर बाई जी, और दिखेंगे इसको लिखा जाएगा वन प्लस आर बाई एल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको आप खुद ही अरेंज करके देख सकते हैं है ना, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। आप देखेंगे जैसे ये आर हमने एलसीएम लिया तो ये आर जाएगा ऊपर है ना, और यहां पर आ जाएगा आर प्लस एल। जब एल नीचे लाएंगे तो एक एल एल कैंसिल हो जाएगा है ना, तो एक बच जाएगा वन और यहां पर आ जाएगा आर बाई एल। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर एल जो है बहुत बड़ा है, एल बहुत बड़ा होगा तो इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब इस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे तो टाइम पीरियड कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा टू पाई अंडर रूट आर बाई जी। ठीक है, ये आ जाएगा।